वेलकम टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं डीसी मोटर के बारे में। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज मोटर, मोटर क्या होती है। भाई मोटर की अगर सिंपल सी डेफिनेशन की हम बात करें तो आपकी मोटर एक ऐसी मशीन है जो मशीन क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है। ये क्या करती, सिंपली एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। इसके अंदर जो हम इनपुट देंगे वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट। जो आउटपुट हमें मिलेगा वो कैसा होगा, मैकेनिकल आउटपुट। देखो सिंपल आप समझ सकते हो, मोटर पानी की जो हमारी मोटर है वो पानी की मोटर करती क्या है। हमने जैसे ही उसको सप्लाई के साथ कनेक्ट किया, जैसे ही आपने प्लग लगाकर अपने स्विच को ऑन किया, वो तुरंत पानी खींचने लग जाती है। इसका मतलब आपने जो इनपुट दिया है वो कैसा है, इलेक्ट्रिकल, जबकि पानी खींचना एक मैकेनिकल काम है, ठीक है, या कोई भी लोड है उस लोड को खींचना एक मैकेनिकल काम है। तो मोटर आपकी क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल इनपुट को मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट करेगी। सिंपल सी बात। अब इस डीसी मोटर का क्या मतलब है, डीसी मोटर के अंदर क्या किया जाएगा कि जो इनपुट पावर सप्लाई दी जाती है वो इनपुट पावर सप्लाई कैसी होगी, डीसी इनपुट यहाँ पर दिया जाएगा। कैसी सप्लाई दी जाएगी भाई, डीसी इनपुट पावर हम मोटर को सप्लाई के तौर पर देंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। अब देखिए डीसी कौन सी सप्लाई होती है। देखो दो तरह की हमारे पास सप्लाई होती है, एक होती है एसी जिसे हम प्रत्यावर्ती के नाम से जानते हैं, और एक होती है हमारे पास डीसी जिसे हम दिष्ट के नाम से जानते हैं। प्रत्यावर्ती सप्लाई या प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज वह होते हैं जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित हो, लेकिन दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज के अंदर आपका जो मान है वो मान क्या होता है, समय के साथ नियत रहता है। तो अगर आपको डीसी सप्लाई चाहिए तो डीसी सप्लाई आप कहाँ से ले सकते हो, डीसी सप्लाई आप सेल से ले सकते हो या फिर डीसी सप्लाई आप अपनी बैटरी से यहाँ पर ले सकते हो। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट में एक सेल को कनेक्ट करेंगे या एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे, वो इसको इनपुट देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको इनपुट देगा। उसके बाद इसमें अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शंस होंगी, कुछ ही अपने हिसाब से काम करेगा, वो सारी चीज़ें अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। उसके बाद मोटर एक आपको मैकेनिकल आउटपुट यहाँ पर प्रोवाइड करवाने लग जाएगी। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली चीज़ होती है हमारे पास यहाँ पर पोल। पोल देखो क्या होते हैं, ये आपके होते हैं एन और एस पोल होते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। क्या काम है इनका, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। अच्छा मोटर के अंदर दो तरह की चीज़ें होती है, एक इसका कहलाता है रोटर। रोटर यानी वो पार्ट जो घूर्णन करे, घूर्णन करने वाला भाग, रोटेशन करने वाला भाग। एक यहाँ पर होता है हमारे पास स्टेटर। स्टेटर मतलब स्टेशनरी भाग, यानी जो भाग आपका रुका हुआ है। अब देखिए डीसी मोटर के अंदर क्या है कि दो चीजों की हमें जरूरत होती है। जो डीसी मोटर काम करती है वो फैराडे के नियम पर काम करती है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर ये काम करती है। फैराडे ने क्या कहा था अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम में, फैराडे ने कहा था, दो नियम उन्होंने दिए थे। उन दो नियमों में से पहला नियम ये था कि जब भी किसी चालक और फ्लक्स की आपस में कटिंग होती है, क्या होता है भाई, जब भी किसी चालक यानी या आपके पास कोई भी एक चालक है, कंडक्टर है, और इधर आपके पास ये इस तरह से मान लो फ्लक्स है, तो जब भी कोई चालक या आपकी फ्लक्स की कटिंग होती है तो इस कटिंग की वजह से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, इसकी वजह से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और ये जो विद्युत वाहक बल है
इस विद्युत वाहक बल के मान के बारे में फैराडे ने अपने दूसरे नियम में बताया था। फैराडे ने अपने दूसरे नियम में बताया था कि ये जो उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कितनी तेजी से आप अपने फ्लक्स को कट कर रहे हैं, कितनी तेजी से आपका फ्लक्स बदल रहा है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। अब इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था लेंज। लेंज ने क्या बताया, लेंज ने एक काम किया कि फैराडे के नियम में डी फाई बाई डी टी के आगे एक माइनस का यहाँ पर निशान लगा दिया। ये जो माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन आपके विरोध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये विरोध को आपके दर्शाता है। विरोध को दर्शाने का मतलब क्या है, लेंज ने बोला कि अगर कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन यानी अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। देखिए यहाँ पर उत्पन्न कौन हुआ है, ईएमएफ उत्पन्न हुआ है। किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, फ्लक्स में आने वाले चेंज की वजह से उत्पन्न हुआ है। तो ये ईएमएफ क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। तो इस विरोध को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दिया जाता है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। तो ये फैराडे ने अपने नियम में बोला था। अब देखो, हमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न करवाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें एक पहली चीज तो फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स का क्या मतलब है, चुंबकीय क्षेत्र की हमें ज़रूरत होगी। दूसरी जो हमें चीज़ चाहिए, वो दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, चालक की हमें ज़रूरत होगी, कंडक्टर की हमें ज़रूरत होगी। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, दोनों है हमारे पास, लेकिन अगर दोनों रुके हुए हैं तो वो हमारे किसी मतलब के नहीं है। मतलब हमारे कब निकलेगा, जब क्या हो कि इस चालक की और फ्लक्स की आपस में कटिंग हो। इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप चालक को स्थिर रखो और फ्लक्स को घुमाओ ताकि वो कट हो जाए। ये काम होता है एसी मोटर के अंदर। दूसरा काम क्या करो कि आप अपने फ्लक्स को स्थिर रखो, अपने चुंबकीय क्षेत्र को आप स्थिर रखो और चालक को आप यहाँ पर घुमाओ। ये काम होता है हमारी डीसी मशीन के अंदर। तो इसमें जो देखो, घुमा किसको रहे हम, घुमा हम रहे हैं चालक को, यानी रोटर पार्ट में क्या लगा होगा, यहाँ पर रोटर पार्ट में यहाँ पर लगे होंगे चालक, यहाँ पर लगे होंगे। और ये जो चालक होते हैं, इन चालक को हम आर्मेचर चालक या आर्मेचर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। स्टेटर चालक हो गया, अब स्टेटर, स्टेटर में क्या होगा, स्टेटर का काम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम यहाँ पर एक वाइंडिंग लगाते हैं जिसे हम फील्ड वाइंडिंग या फिर क्षेत्र वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। इस फील्ड वाइंडिंग या क्षेत्र वाइंडिंग में जब धारा प्रवाहित होगी, देखो जो हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं ना, वो डीसी सप्लाई हम इस स्टेटर में लगी हुई क्षेत्र वाइंडिंग को देते हैं। ठीक है, पोल हमारे पास लगे होते, वहाँ पर हम एक फील्ड वाइंडिंग लगा देते हैं, तो जो सप्लाई होगी वो स्टेटर में लगी हुई क्षेत्र वाइंडिंग के पास जाएगी। ये क्षेत्र वाइंडिंग क्या करेगी, आपके चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। उसके बाद ये रोटर इसको कट करेगा, यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट होगा और ईएमएफ जनरेट होकर आपकी मोटर काम करने लगेगी। ये जो आपकी क्षेत्र वाइंडिंग है, इस क्षेत्र वाइंडिंग का क्या काम है भाई, इसका काम है आपके चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करना या फिर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना, ये इस क्षेत्र वाइंडिंग का काम है। एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है डीसी मोटर के अंदर। देखो डीसी मोटर के अंदर क्या होगा कि एक और हम प्रिंसिपल यहाँ पे काम में लेते हैं। उस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या, उस नियम के हिसाब से क्या है कि जब भी कोई चालक जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, अगर उस चालक को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो चालक एक बल वहाँ पर महसूस करता है। उस बल की दिशा हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से देखते हैं। अब देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में आपको बता दूं, फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे, एक था उनका राइट हैंड रूल, दूसरा था उनका लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल उन्होंने दिया था जनरेटर के लिए, लेफ्ट हैंड रूल में उन्होंने क्या बताया था, देखो दोनों रूल वैसे सेम है, बस अंदर इतना सा है कि लेफ्ट हैंड रूल हम मोटर के लिए यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल हम जनरेटर के लिए यूज़ करते हैं। इस नियम के अनुसार क्या था कि अगर आप अपनी अंगूठा और शुरू की दो उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैला लो, अंगूठा आपके बल की दिशा को बताता है,
पहली उंगली आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी और बीच वाली उंगली प्रवाहित होने वाली धारा या फिर उत्पन्न होने वाले ईएमएफ की दिशा को दर्शाती है। ये यहाँ पर होगा। अब देखो, डीसी मोटर के अंदर हमने चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न कर दिया फील्ड वाइंडिंग से, धारा आपने सप्लाई के थ्रू प्रवाहित करवा दी, तो अब इसके अंदर हमें बस क्या चेक करना है, इसके अंदर हमें केवल और केवल लगने वाले बल की दिशा को चेक करना है। तो वो किससे चेक करेंगे, हम अंगूठे से यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये प्रिंसिपल है, बेसिक चीज़ें हैं आपके डीसी मोटर के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन पर कि एक डीसी मोटर आपकी किस तरह से दिखती है। यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंट पार्ट दिख रहे होंगे एक डीसी मोटर के, जिसमें ये बाहर वाला पार्ट है। देखो ये स्टेटर के नाम से हम इसको जानते हैं और इसको हम यॉक भी यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। इसका जो सबसे बाहरी पार्ट होगा, सबसे जो बाहर वाला पार्ट होता है मोटर का, उसको हम यॉक के नाम से जानते हैं। इस यॉक का काम है आपकी मोटर को जो यांत्रिक हानियाँ हैं, जो धूप है, गर्मी है, बरसात है, उन सारी की सारी, या कोई यांत्रिक चोट लग जाए, उनसे बचाने का काम आपका यॉक आता है। इसके बाद देखिए आपके पास स्टेटर है, स्टेटर के बाद आपके पास पोल लगे होते हैं, ठीक है। उन पोल के ऊपर क्या लगी होती है, फील्ड वाइंडिंग लगी है। इसके बाद आपके पास एक बेलनाकार कोर होती है जिसे हम आर्मेचर कोर बोलते हैं। देखिए इस तरह की आपके पास एक बेलनाकार यहाँ पर कोर होगी जिसे आप आर्मेचर कोर बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह से स्लॉट बने हुए होते हैं और इन स्लॉट के अंदर हम एक वाइंडिंग को लगाते हैं, उस वाइंडिंग को आप किस नाम से जानते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के नाम से। इसके बाद देखो इसके अंदर बियरिंग लगी होती है, शाफ्ट है, आर्मेचर वाइंडिंग आपने यहाँ पर लगा दी, ब्रश आपके पास होते हैं और कम्यूटेटर आपके पास होते हैं। इन सब का क्या काम है वो काम मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ब्रश होगा हमारे पास, साथ ही साथ हमारे पास कम्यूटेटर यहाँ पर होता है। इसके बाद चलिए कुछ और पार्ट्स हम यहाँ पर देखते हैं। ये है आपके पास अपनी डीसी मोटर का यॉक। यॉक देखो किसका बना होता है, ये बना होता है गैल्वनाइज्ड आयरन का और ये हीट ट्रीटमेंट से बनता है, ठीक है। इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, वो फंक्शन देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। इट कैरीज मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। देखो जो आपके पोल लगे होते हैं वो पोल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो ये क्या करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को एक पाथ प्रोवाइड करवाता है, एक रास्ता उसको प्रोवाइड करवाता है ताकि वो एक पोल से दूसरे पोल में जा सके। अगली बात क्या है, इट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव कवर टू अदर पार्ट्स लाइक फील्ड पोल, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर कोर एट्सेट्रा। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये क्या करता है, एक सर्फ आउटर पार्ट होता है, ये सबसे बाहरी वाला ये भाग होता है, तो ये गार्ड की तरह ये काम करता है कि अंदर कोई भी आपकी चीज़ें हैं वो टूटे ना, कोई बारिश गर्मी उसको नुकसान ना पहुँचा, तो उनकी सुरक्षा ये एक तरह से करता है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर फील्ड पोल हाउसिंग बाय रिबिटिंग। कि देखो जो भी फील्ड पोल लगे होते हैं वो इस योक के अंदर वाले भाग में लगे होते हैं, तो ये क्या करेगा, फील्ड पोल को लगाने के लिए स्थान वहाँ पर उपलब्ध कराता है, स्पेस प्रोवाइड करवाता है। आगे देखिए ये आपके इस तरह से फील्ड पोल है, इन फील्ड पोल पर देखो ये पोल शू होते हैं। देखो फील्ड पोल जो एक्चुअल में होते हैं ना वो हमारे इस तरह से बिल्कुल इस तरह के ना होकर ये क्या होते हैं, थोड़े से इस तरह के होते हैं, शू टाइप के ये पोल होते हैं, बिल्कुल ये रेक्टेंगल टाइप के ना होकर इस तरह के ये होते हैं। देखो इस तरह के बनाने का इनको क्या रीज़न है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स यहाँ पर जनरेट कर सके, ठीक। और ये फ्लक्स बिल्कुल यूनिफॉर्म रहे, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस तरह के फील्ड पोल यहाँ पर बनाते हैं। और इस फील्ड पोल पर आप देख सकते हो कि आपने इस तरह से यहाँ पर वाइंडिंग की है, तो ये वाइंडिंग आपकी क्या कहलाती है, फील्ड वाइंडिंग आपकी कहलाती है। काम मैं आपको बता चुका हूँ इस फील्ड वाइंडिंग का, इसका काम है फ्लक्स जनरेट करना, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना। अगली चीज़ देखिए, ये यहाँ पर आप आर्मेचर देख सकते हैं, आर्मेचर के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस तरह के स्लॉट यहाँ पर बने हुए होते हैं,
तो ये आप स्लॉट यहाँ पर देख सकते हैं, आर्मेचर असेंबली पूरी है। ये देखो जो बाहर वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम किस नाम से जानते हैं, आर्मेचर कोर के नाम से हम इसको जानते हैं। और इस आर्मेचर कोर में आपने इस तरह से स्लॉट बना रखे हैं, तो स्लॉट बनाने के बाद आपने यहाँ पर वाइंडिंग लगाई है, तो इस वाइंडिंग को आप किस नाम से जानते हो, आर्मेचर वाइंडिंग के नाम से हम इस वाइंडिंग को जानते हैं। अगली चीज़ देखिए, ये फिर से आप आर्मेचर यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए दिख रहे होंगे आई थिंक आप लोगों को ये स्लॉट कि किस तरह से हमने स्लॉट बनाए हैं। ये इस तरह के यहाँ पर स्लॉट बनाए जाते हैं और इन स्लॉट के अंदर वाली सरफेस पर हम पूरी की पूरी आर्मेचर वाइंडिंग लगाते हैं। जिस चालक के मैं बात कर रहा था कि भाई जो आपके चालक होते हैं जिनका काम क्या है, फ्लक्स को कट करना, वो चालक बेसिकली आपके क्या होती है, ये आर्मेचर कंडक्टर ही आपके वो चालक होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है कि जो भी आपके फ्लक्स है उस फ्लक्स को ये कट करेंगे, और फ्लक्स को कट करके ये ईएमएफ उत्पन्न करने का काम करते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर आपको यूजेस बताए गए हैं आर्मेचर कोर और आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में, कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। आर्मेचर कोर देखो क्या है कि ये सिलिकॉन स्टील की बहुत पतली पतली लेमिनेशन का बना होता है। देखिए यहाँ पर लेमिनेशन क्यों की जाती है उसका भी आप रीज़न समझिए कि मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन करवा रहा था, उस वक्त मैंने आपको हिस्टेरेसिस लॉस का हमारा एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पर मैंने आपको एडी करंट लॉस के बारे में बताया था। देखो हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है कि ये जो आर्मेचर है केवल इन आर्मेचर में आपकी करंट फ्लो हो, लेकिन ये जो आर्मेचर की कोर है ये भी एक सिलिकॉन स्टील की बनी है, ये भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसके अंदर भी क्या होता है कि करंट फ्लो होने लगता है जिसकी वजह से लॉसेज होते हैं, और ये लॉसेज हमारे बिल्कुल फालतू है, अनडिज़ायरेबल है ये हमारे लिए। तो इन लॉसेज को कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर लेमिनेशन कर देते हैं। लेमिनेशन करने से क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस वहाँ पर बढ़ जाता है, प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध के बढ़ने से फ्लो होने वाला करंट आपके कम हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेमिनेशन करते हैं। अच्छा, इस आर्मेचर कोर के फंक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या करता है, इट प्रोवाइड स्लॉट फॉर हाउसिंग ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को लगाने के लिए ये क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको, स्लॉट आपको प्रोवाइड करवाता है। आगे बोला है इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाय फील्ड सर्किट, क्योंकि भाई ये आर्मेचर कोर पूरी की पूरी घूमेगी तो ये उस फ्लक्स को भी कट करेगी जो कि फील्ड वाइंडिंग ने जनरेट किया है। आर्मेचर वाइंडिंग देखो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आर्मेचर वाइंडिंग किसकी बनी होती है। अच्छा, आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड एक और चीज़ है कि जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है उस आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस बहुत कम हम लेते हैं, वेरी लो रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लेते हैं, कम हम रेजिस्टेंस लेते हैं, ज़्यादा यहाँ पर हम आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नहीं लेते। क्यों, इसका मैं आपको रीज़न बताऊं, क्योंकि भाई ये आपके पास मोटर है, मोटर के अंदर एक बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, मोटर की आर्मेचर में आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, तो मोटर के आर्मेचर में जो उत्पन्न होने वाली शक्ति है, जो डेवलप्ड पावर होगी, वो ई बी गुणा आई ए के बराबर होगी। अब हम क्या चाहते हैं कि डेवलप्ड पावर ज़्यादा हो, इसके लिए आपके आई ए की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, डेवलप्ड पावर ज़्यादा हो इसके लिए आपके आई ए की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो आई ए की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब इस आर्मेचर का प्रतिरोध आपके कम होगा, तो इसलिए हम आर्मेचर का प्रतिरोध कम रखते हैं ताकि आपकी आर्मेचर करंट हाई रहे, जिसकी वजह से डेवलप्ड पावर आपकी हाई रहे। आगे देखिए क्या है इसका फंक्शन यहाँ पर बताया गया है, आर्मेचर वाइंडिंग का क्या फंक्शन होता है, इट डेवलप ईएमएफ फॉर प्रोड्यूसिंग नेसेसरी टॉर्क ड्यू टू विच आर्मेचर स्टार्ट्स रोटेटिंग। ये क्या करता है, एक टॉर्क यहाँ पर उत्पन्न करता है और उस टॉर्क की वजह से आपका आर्मेचर घूमने लगता है, ये इसका काम होगा। इसके बाद चीज आती है हमारे पास कम्यूटेटर। कम्यूटेटर किसका बना होता है, कम्यूटेटर बना होता है कॉपर का, हार्ड कॉपर का ये आपका कम्यूटेटर बना होता है। देखिए कम्यूटेटर जो हम यूज़ करते हैं डीसी मोटर के अंदर, वो हम यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का, हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं।
किसके इस्तेमाल करते हैं हम, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए दो तरह के हमारे पास कम्यूटेटर होते हैं, एक होता है हमारे पास स्लिप रिंग जिसका इस्तेमाल हम एसी मोटर में करेंगे, ये इस तरह का आपके पास कम्यूटेटर होगा। एक आप क्या करते हैं कि इसको स्प्लिट कर देते, स्प्लिट मतलब दो भागों में आप इसको बांट देते हैं, तो इस तरह से आपके पास ये कम्यूटेटर होता है और बीच में यहाँ पर माइक का हम लगा देते हैं ताकि ये दोनों आपके अलग अलग रहे। तो ये जो आपके कम्यूटेटर होते हैं ये क्या होते हैं आपके स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के नाम से आप इनको जानते हैं। तो दो तरह के कम्यूटेटर होंगे, स्लिप रिंग जो कि यूज़ किए जाते हैं एसी मशीन के अंदर, स्प्लिट रिंग जो कि यूज़ किया जाएगा डीसी मशीन के अंदर। अच्छा, डीसी मोटर के अंदर जो आपने कम्यूटेटर यूज़ किया है उसका काम क्या है, फॉर एक्साइटेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग करंट इज गिविंग फ्रॉम इट, आर्मेचर वाइंडिंग को करंट सप्लाई करने का इसको काम है। देखो जो सप्लाई से करंट आ रहा है, जो आपके मेन बैटरी से आपका करंट आ रहा है, उस बैटरी से आने वाले करंट को आर्मेचर वाइंडिंग की तरफ सप्लाई करने का जो काम करेगा वो काम कौन करता है, आपके कम्यूटेटर करता है। और डीसी मोटर में इस कम्यूटेटर को हम मैकेनिकल इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जो कम्यूटेटर होगा डीसी मोटर के अंदर वो कम्यूटेटर आपका मैकेनिकल इन्वर्टर के नाम से जाना जाएगा। भाई इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये किस तरह इसको पूरा कन्वर्ट करेगा वो मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि जो कम्यूटेटर होगा वो मैकेनिकल इन्वर्टर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से कम्यूटेटर है, हमने इसको बीच में से दो भागों में बांट दिया तो ये क्या बन गया, स्प्लिट रिंग। और यहाँ पर दो ब्रशेस लगे होते, ब्रशेस का क्या काम है, ब्रशेस का काम है सप्लाई से आने वाले करंट को कलेक्ट करना, उसको कम्यूटेटर तक पहुँचाना, और कम्यूटेटर उसको कहाँ पहुँचा देता है, आर्मेचर वाइंडिंग तक। अच्छा, जो ब्रशेज होते हैं ये ब्रशेज आपके कार्बन ब्रशेज होते हैं, जो डीसी मोटर के अंदर हम जनरली यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, हम कार्बन ब्रशेज यूज़ करते हैं। कॉपर ब्रशेज का भी हम यूज़ करते थे पहले, बट आज के टाइम हम ज़्यादातर इस्तेमाल कार्बन ब्रशेज का करते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे एडवांटेज है, वो मैं आपको कुछ एक एडवांटेज यहाँ पर बता दूँ। भाई कार्बन ब्रश के अंदर क्या होता है, देखो ब्रश क्या है कि जब मोटर घूमती है तो ब्रश भी क्या है कि ये घूमते हैं, तो ब्रश घिसने की हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। अब कॉपर ब्रशेस के अंदर क्या था, सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग का गुण नहीं था। सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग मतलब अपने आप उसके अंदर ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन होता है ना कि भाई हम जो ऑयल वॉयल डालते हैं, ल्यूब्रिकेंट आते हैं गाड़ियों के लिए, घर्षण को कम करने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉपर ब्रशेस में घर्षण को कम करने की अपने आप में क्षमता नहीं होती थी, वो सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग नहीं होते थे, तो इसलिए वो ज़्यादा घिसते थे। इसके अलावा उनमें हानियाँ भी हमें ज़्यादा होती थी, लेकिन कार्बन ब्रशेस के अंदर हमें सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग का गुण देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा कम घिसते हैं, ज़्यादा ये आपके चल जाते हैं, तो इसलिए हम आजकल कार्बन ब्रशेस का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए जो वाइंडिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग लगाते हैं वो दो तरह की हम वाइंडिंग लगाते हैं, एक आपके पास होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं लैप वाइंडिंग के बारे में। देखिए लैप वाइंडिंग में क्या होगा कि ये आपके पास कोई एक कॉइल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके पास कोई एक कॉइल है, मैं यहाँ पर अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको कॉइल्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाए। तो ये आपके पास कोई एक कॉइल है, ठीक है, और ये आपके पास कोई अपनी दूसरी यहाँ पर कॉइल है, जो येलो कलर की कॉइल है ये आपके पास कोई अपनी दूसरी यहाँ पर कॉइल है। तो लैप वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, लैप वाइंडिंग के अंदर एक कॉइल होगी, उसके ऊपर दूसरी कॉइल होगी, फिर तीसरी कॉइल, फिर चौथी कॉइल, तो इस तरह से सारी कॉइल एक के ऊपर एक यहाँ पर जमा होती है, एक के ऊपर एक यहाँ पर लगी हुई होती है, तो इस तरह की वाइंडिंग को हम लैप वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस लैप वाइंडिंग के अंदर क्या होगा कि देखो एक चीज आती है हमारे पास समांतर पथों की संख्या, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ।
तो लैप वाइंडिंग के अंदर जितने आपके पास पोल होते हैं, जितने आपके पास ध्रुव होते हैं, उतने ही आपके पास समांतर पथ होंगे। देखो इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता दूं, लैप वाइंडिंग है तो लैप वाइंडिंग के आखिर के दोनों शब्दों पर गौर करिए, ए और पी। ए हम दिखाते हैं समांतर पथों की संख्या और पी हम दिखाते हैं नंबर ऑफ पोल के लिए। तो इसमें क्या होता है, ए बराबर पी के होता है, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास आती है यहाँ पर, वो दूसरी आती है हमारे पास वेव वाइंडिंग। वेव क्या होती है भाई, लहरी, तरंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह से वाइंडिंग लगातार तरंग की तरह आगे या फिर पीछे बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह की वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, वेव वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। वेव वाइंडिंग के अंदर जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो हमारे पास हमेशा दो ही होंगे, चाहे आपके पास कितने भी नंबर ऑफ पोल्स हो, दो ही हमारे पास यहाँ पर पैरेलल पाथ होंगे। अब देखिए इनके यूज़ के बारे में बात आती है कि जो वेव वाइंडिंग है, इस वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल हम स्मॉल करंट रेटिंग, यानी जो आपकी कम करंट वाली मशीनें हैं, उन कम करंट रेटिंग वाली मशीनों के लिए हम वेव वाइंडिंग इस्तेमाल करती है। सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो जो आपकी छोटी मशीन है, उन छोटी मशीन के लिए हम वेव वाइंडिंग इस्तेमाल करेंगे, और जो आपकी बड़ी मशीन है, उन बड़ी मशीनों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी लैप वाइंडिंग का हम बड़ी मशीनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन थी एक डीसी मोटर की, वो पूरी डीसी मोटर की हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखी। अब चलिए हम डीसी मोटर की वर्किंग देखते हैं एक वीडियो के थ्रू कि भाई डीसी मोटर आपकी किस तरह से वर्क करती है। तो चलिए हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर के बारे में कि आपकी एक जो डीसी मोटर है वो डीसी मोटर किस तरह से काम करती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक एन पोल है और दूसरा आपके पास एस पोल है। इन दोनों पोल्स के बीच में आपने एक कंडक्टर को लगाया है, और ये कंडक्टर कैसा है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपका है, यानी इस कंडक्टर में करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, तो एक आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, तो उसकी वजह से उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक बल लगता है, और उस बल की दिशा हम कहाँ से बताते हैं, फैराडे के लेफ्ट हैंड रूल से हम उस बल की दिशा को बताते हैं। तो यहाँ पर इस पर एक बल लगेगा, उस बल की दिशा को हम किससे डिफाइन करेंगे, फैराडे के लेफ्ट हैंड रूल से, जो होगा हमारे एफ बी आई के हिसाब से, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और आई। अब देखिए यहाँ पर हम एक सिंपल सा मॉडल देखते हैं डीसी मोटर के अंदर। देखो सिंपल, मैंने दो यहाँ पर पोल लिए हैं। पर्टिकुलर एक प्रैक्टिकल डीसी मोटर की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे पोल होंगे और इस तरह की बहुत सारी कॉइल होगी, बट अभी सिंप्लिसिटी के पर्पज से मैंने यहाँ पर केवल दो ही पोल लिए हैं और एक मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा टर्न ले लिया। यहाँ पर आप ये वाला पार्ट देख सकते हो, ये जो सी टाइप का जो पार्ट है, ये सी टाइप का पार्ट आपके क्या कहलाता है, कम्यूटेटर आपके कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी आर्मेचर है। अभी हमने कम यहाँ पर वाइंडिंग ली है, एक ही हमने यहाँ पर टर्न लिया है। ये दो आपके पोल है, एक नॉर्थ पोल है आपका और दूसरा आपका कौन सा है, साउथ पोल है आपके पास। और देखिए मोटर को डीसी इनपुट सप्लाई आपको देनी है, तो डीसी इनपुट सप्लाई देने के लिए मैंने मोटर को क्या कर दिया, एक यहाँ पर बैटरी एक सेल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये ब्लैक वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ब्रश के नाम से जाना जाएगा। तो देखो जैसे ही हम अपनी डीसी मोटर के आर्मेचर को सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल इनपुट सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर क्या होने लगेगा, करंट यहाँ पर आपके फ्लो होने लगेगा। क्या होने लगेगा भाई, सिंपली यहाँ पर आपके करंट फ्लो होने लगेगा। तो इस तरह से इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका सेल है और सेल को जैसे आपने कनेक्ट किया तो इस कुंडली के अंदर आपके करंट यहाँ पर फ्लो होने लगा है, जो कि पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, दिख रहा आप लोगों को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और ब्रशेज और कम्यूटेटर हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आगे ये अब किस तरह से काम करेगी। आगे अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की,
तो उस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से जो लगने वाला बल होगा, देखो जो एस पोल की तरफ जो आपकी कॉइल है और जो एन पोल की तरफ आपकी कॉइल है, ठीक है, जो कंडक्टर है, इन पर किस तरह का बल लगेगा वो हम देखेंगे। यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, एन पोल से एस पोल की तरफ है और इस तरह से आपकी मोटर यहाँ पर रोटेट करेगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा और आपकी मोटर को रोटेट करवाएगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, मैकेनिकल फोर्स की डायरेक्शन को। अब देखिए जो एस पोल के अंडर आपके पास लगा हुआ है जो भी कंडक्टर है उस पर कैसा फोर्स लगने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एन पोल से एस पोल की तरफ है, जो करंट है वो इस आप येलो कलर के एरो से यहाँ पे देख सकते हो कि करंट एस पोल वाले में कैसे फ्लो हो रहा है। तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ लगने वाला इस पर फोर्स होगा। तो एस पोल की तरफ जो कंडक्टर है उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ। सिमिलर हम बात करते हैं यहाँ पर एन पोल के लिए कि एन पोल की तरफ जो कंडक्टर है उस एन पोल की तरफ वाले कंडक्टर पर कैसे फोर्स लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एन पोल की तरफ जो कंडक्टर होगा उसमें करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो देखिए एक फोर्स लग रहा ऊपर की तरफ, एक फोर्स लग रहा नीचे की तरफ। तो ये जो आपकी पूरी की पूरी रोटर होगा, ये पूरा का पूरा रोटर आपका इस तरह से रोटेट यहाँ पर करने लगेगा। इसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये टॉर्क आपके किसके बराबर होगा, बी एल ओमेगा के बराबर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि टॉर्क प्रोड्यूस होने से ये इस तरह घूमने लगेगा। अब देखिए क्या होगा कि जब ये टॉर्क जीरो कब होगा, जीरो तब होगा ये टॉर्क जब जो एंगल है, जो आर्मेचर का एंगल है और जो फील्ड पोल के बीच का एंगल है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स और जो आपका कंडक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा तो उस वक्त लगने वाला टॉर्क जीरो हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ ना कुछ ये पहले, देखो पहले रोटेट कर रही थी फिर एकदम से टॉर्क जीरो हुआ, तो ये क्या करेगी कि रोटेट लगातार करती रहेगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम से रुक जाए। ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो लगातार चलती रहती है जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो यहाँ पर देखो टॉर्क आपका जीरो तो हो गया, लेकिन इस पॉइंट के बाद ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आकर आपकी कॉइल इस पॉइंट पर रुक जाएगी, इसके बाद भी ये थोड़ा सा मूव करेगी। जैसे ही ये मूव करेगी तो उस वक्त एंगल फिर आपका कुछ ना कुछ वहाँ पर चेंज होगा, तो फिर से इसके ऊपर एक टॉर्क लगने लगेगा और ये लगातार जो आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके इसी तरह से यहाँ पर रोटेट करने लगेगा। क्लियर है, देख सकते हो आप कि किस तरह से आपका पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर रोटेट कर रहा है। अब देखिए जब ये रोटेट करता हुआ वापस से इस तरफ आ गया, वापस से जो एस पोल की तरफ था जो पहले कंडक्टर वो एन पोल की तरफ आ गया और एन पोल वाला कंडक्टर आपके एस पोल की तरफ आ गया, तो इस वक्त क्या होता है कि ये जो कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर तुरंत अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। जो पहले एन पोल वाला कम्यूटेटर था वो एस पोल वाले कंडक्टर से कनेक्ट हो जाता है और एस पोल वाला कम्यूटेटर एन पोल वाले कंडक्टर से कनेक्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है कि अपनी पोजिशन को बदल लेता है। अब देखिए फिर से हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाकर फिर से डायरेक्शन को यहाँ पर देखें तो आप अगेन यहाँ पर देख सकते हो कि जो एस पोल के अंडर कंडक्टर है उस पर लगने वाला जो फोर्स है उस पर ऊपर की तरफ लगेगा और एन पोल के अंडर जो कंडक्टर है उस पर लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो ये जो आपकी मोटर है, ये मोटर आपकी लगातार इसी तरह से एक डायरेक्शन में यहाँ पर रोटेट करती हुई काम करने लगेगी। क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि हम जो अपना कम्यूटेटर होता है उसको मैकेनिकल इन्वर्टर के नाम से जानते हैं, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दूँ। तो देखो जो कम्यूटेटर के इस तरफ जो सप्लाई है वो तो क्या है, डीसी सप्लाई है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब कम्यूटेटर के उस तरफ की मैं बात करता हूँ, यानी इस कंडक्टर की मैं बात करता हूँ, इस आर्मेचर कंडक्टर की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। देखो जो पहले एस पोल के अंडर जो भाग है उसको मैं ए बी का नाम दे दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एस पोल के अंडर जो पार्ट है उसको मैंने ए बी का यहाँ पर नाम दे दिया। देखिए यहाँ पर
एस पोल वाले को मैंने यहाँ पर ए बी का नाम दे दिया, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो पहले देखो आपकी जो करंट थी वो करंट कुछ आपकी इस तरह से फ्लो हो रही थी, यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी, यानी पहले जो करंट जा रही थी वो ए से बी की तरफ जा रही थी और सी से आपकी करंट डी की तरफ जा रही थी। अब आधे घूर्णन के बाद क्या हुआ उस चीज़ को यहाँ पर समझो। आधे घूर्णन के बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो ए बी था वो इधर जा पहुँचा और जो सी डी था वो इस तरफ आ गया। लेकिन देखो वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो एन पोल वाला है उसमें करंट क्या है, हमेशा ऊपर से नीचे जा रहा है, और एस पोल वाले में हमेशा करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ये चीज़ हमने वीडियो में देखी थी। तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हो कि अब जो करंट है वो करंट कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब जो करंट है वो डी से सी है और बी से ए है। पहले करंट ए से बी था लेकिन आधे घूर्णन के बाद ये बी से ई हो गया, पहले करंट सी से डी था लेकिन आधे घूर्णन के बाद ये क्या हो गया, डी से सी। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि डीसी जो करंट था वो डीसी करंट अब एसी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर दिशा बदल रही है। तो डीसी करंट आपका एसी में कन्वर्ट हो गया, दिशा यहाँ पे बदल रही है। तो इसका मतलब कम्यूटेटर ने क्या काम किया, एक मैकेनिकल इन्वर्टर का आपके कम्यूटेटर ने यहाँ पर काम किया है। क्लियर है? अब देखो बहुत सारी हमारे पास डीसी मोटर होती है जिसमें हमारे पास सीरीज आती है, शंट आती है, कंपाउंड आती है, लेकिन दो मोटर के बारे में मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। एक है आपके पास सीरीज यानी श्रेणी डीसी मोटर। देखिए सीरीज और शंट नाम कैसे पड़ा इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने बताया कि दो चीज़ें होती, एक तो होती है आर्मेचर वाइंडिंग और एक होती है फील्ड वाइंडिंग। अगर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के सीरीज में है तो आप उसको डीसी सीरीज मोटर बोलेंगे, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल में है तो आप उसको डीसी शंट मोटर बोलेंगे। तो डीसी सीरीज मोटर के अंदर क्या होगा कि ये आपके पास अपना आर्मेचर है, ये आपके पास अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पर आपके पास अपनी सप्लाई है, ठीक है। शंट मोटर के अंदर क्या होगा कि ये आपके पास अपनी आर्मेचर वाइंडिंग है, सॉरी ये आपके पास अपनी शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये आपके पास अपनी आर्मेचर वाइंडिंग है और ये आपके पास अपनी सप्लाई है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मान लो सप्लाई करंट आई है, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग का करंट आई एस ई है और आर्मेचर का करंट आई ए है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई एस ई इज इक्वल टू आई ए के बराबर। यहाँ पर देखो अगर इधर से आई करंट आ रहा है तो आधा करंट तो इधर चल गया, इसको मैंने आई एस एच बोल दिया, और कुछ करंट आपका इधर चल गया जिसको मैंने आई ए बोल दिया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच के बराबर, सिंपल सी बात है। और देखो ये वोल्टेज V है तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी वोल्टेज क्या होगा, V के बराबर होगा। तो इसकी आई एस एच किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, V बटे आर एस एच के बराबर मैं आई एस एच की वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब देखो डीसी सीरीज मोटर के अंदर जो हम सीरीज वाइंडिंग लगाते हैं, ये सीरीज वाइंडिंग आपके मोटे तार की और कम घेरों वाली होती है। देखो मोटे तार की इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि आपको पता है कि R बराबर होता है रो L अपॉन A के। हम क्या चाहते हैं कि सप्लाई का ज़्यादा से ज़्यादा करंट आपके आर्मेचर में पहुँचे, यही हम चाहते हैं। अगर आप A को ज़्यादा रखोगे तो उसकी वजह से प्रतिरोध कम होगा, और I बराबर होता है V अपॉन R के। तो अगर आपने प्रतिरोध को कम किया तो आपकी धारा ज़्यादा रहेगी। मतलब एक बात समझ में आती है कि अगर मोटा तार है तो उसमें से ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है, तो हमें ज़्यादा धारा प्रवाहित करवानी है इसलिए मोटा तार रखते हैं, और प्रतिरोध कम रहे इसलिए हम क्या करते हैं कि उसके अंदर कम टर्न लेते हैं। इधर मैं बात करूँ तो हम क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्मेचर में करंट जाए, शंट में करंट आपकी जितनी हमें ज़रूरत हो फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए केवल उतनी करंट आपकी यहाँ पर जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें आर एस एच की वैल्यू आप ज़्यादा रखते हैं। आर एस एच ज़्यादा रखा इसका मतलब क्या किया, आपने यहाँ पर पतला तार यूज़ किया और पतले तार के साथ आपने क्या किया उसके अंदर अधिक घेरे आपने यहाँ पर लगाए, मोर नंबर ऑफ टर्न्स का आपने यहाँ पर यूज़ किया। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर हमारे पास एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसको हम बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं।
उस बैक ईएमएफ की हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। इसका जो फॉर्मूला होगा, देखो डीसी शंट मोटर के लिए मैं भी बता रहा हूँ, बैक ईएमएफ होता क्या है। बैक ईएमएफ एक आपका अपोजिंग ईएमएफ होता है, एक विरोध करने वाला विद्युत वाहक बल होता है, जिसे हम विरोधी विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। देखो क्या है कि एक वोल्टेज तो आपने मशीन को दिया है, आपने कुछ ना कुछ वोल्टेज दिया है। जब कंडक्टर, जो आर्मेचर कंडक्टर यहाँ पर कट करेंगे आपकी फ्लक्स को, तो यहाँ पर एक और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम विरोधी विद्युत वाहक बल या फिर बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होगा, हम जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं वो लिखते हैं V इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए के बराबर। तो ई बी हमें क्या मिलता है, V माइनस आई ए आर ए। देखो इस फॉर्मूले को याद रखने का भी मैं आपको तरीका बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, डीसी मोटर में इनपुट सप्लाई आती है, तो इसको हमने एक तरफ रख लिया, V को हमने एक तरफ रख लिया। इसके बाद देखो ये सारी की जो सारी चीज़ें हैं वो इसके पैरेलल में है। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से वोल्टेज है, एक तो ई बी है और एक आर्मेचर में होने वाला ड्रॉप है यानी आई ए आर ए है, तो इन दोनों को मैंने जोड़ के एक तरफ लिख दिया। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। कन्फ्यूजन लोगों को होती है कि सर मोटर और जनरेटर में क्या क्या होता है, तो सिंपल एक काम करो, जो चीज़ पहले आई है आप उसको एक बार लिख लो, फिर जो बाकी चीज़ें हैं जो उसके पैरेलल में लगी है उनको आप जोड़ के एक तरफ लिख लो, सिंपल आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये था मोटर के लिए बैक ईएमएफ। तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर हमने एक डीसी मोटर की बेसिक वर्किंग, उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन, दो तरह की हमने डीसी मोटर जो कि बेसिक ज़्यादा हमारे काम आती है, और क्या बैक ईएमएफ होता है, क्या उसकी इक्वेशन होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो चलिए इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। गुड बाय। Press the bell icon to never miss a video from theory to practical.